हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अफशास किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन तहरी। फ्रेंड, बनाने से पहले मेरी गुजारिश है आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हैदराबादी चिकन तहरी बनाने के लिए चाहिए हमें आधा किलो चिकन ले लेंगे, और हमने ले लिए बड़ी कटोरी, डेढ़ कटोरी चावल ले लेंगे लंबे वाले बासमती राइस, और हम मसाले ले लेंगे जैसे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। गरम मसाले में ले लेंगे हम थोड़ी सी लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बदने का फूल, दालचीनी, और दो तीन बड़े चम्मच ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन टमाटर ले लेंगे, एक दो प्याज ले लेंगे चॉप कर लेंगे, धनिया के पत्ते ले लेंगे, चार पाँच हरी मिर्च ले लेंगे, एक कटोरी दही ले लेंगे और पकाने के लिए तेल ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमने चावल को भिगो दिया है कम से कम आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे जिससे स्वाद बढ़िया आएगा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम डाल देंगे दही को बढ़िया से फेंट के डालें, इससे स्वाद अच्छा आएगा तहरी का। अब इसको अब हम फ्रेंड हाथों से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट कर दीजिए 20 मिनट के लिए, अगर आपको जल्दी है तो आधे घंटे आप रख सकते हैं फ्रीजर में। फ्रेंड्स, एक बड़ा वेसल ले लेंगे, उसमें हम दो बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। दैट्स इट, बस इतना, उसको गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म है, गरम मसाले शामिल कर देंगे, क्रैकल होने देंगे, प्याज शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। लच्छेदार प्याज काटें तो उससे क्या हो, जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे, इसको अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। टमाटर शामिल कर देंगे, इसको भी मिला देंगे बढ़िया तरह से। थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, इसके लिए हम नमक डाल देंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, इसको ढक के पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, को ढक के पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए कि नहीं। हाँ, ये देखिए बढ़िया से हो गए, सॉफ्ट हो गए एकदम। अब हम चिकन शामिल कर देंगे, मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया। फ्रेंड्स, इसको इसमें आप डाल दीजिए। फ्रेंड्स, अब हमारी मिर्ची भी डाल देंगे जैसा आप तीखा खाएं, इसमें डाल दीजिए। फ्रेंड, हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, जो भी हमारी बची हुई थी पहले की, उसको भी हम मिक्स कर देंगे। इसको मिला लेंगे, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी फ्रेंड ऐड कर देंगे, और हमारा जीरा पाउडर, और हम डालेंगे लाल मिर्च खड़ी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी डाल के गलाएंगे। तो पहले मिक्स कर दीजिए आप। थोड़ा सा एक कटोरी पानी डाल देंगे, चिकन गला लेंगे थोड़ा सा 90%, फिर हम चावल डालेंगे, तो दोनों अच्छी तरह से गलेंगे नहीं। बस आप धीमी आंच पे 10-15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पका लीजिए। ढक दीजिए लिड,
धीमी आंच पे पका लीजिए। फिर हम देख लेते हैं हमारा चिकन हुआ कि नहीं। हाँ थोड़ा बहुत तो हो गया है, भाप निकलता है। अपन इसमें चावल डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, चावल हमारे गल चुके हैं, तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक देख लेंगे, चेक कर लेंगे ठीक है कि नहीं। डेढ़ से थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे, तो अच्छी तरह से मिला देंगे। और लीड को बंद करके ढक के पकाएंगे 15-20 मिनट। फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा हुआ कि नहीं। आइए देखिए बढ़िया तरीके से भिग गया था ना, हम इसको सर्व करेंगे। इससे ज़्यादा उसको नहीं करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे चावल। तो आप सर्व कर लीजिए गर्मा गर्म, बढ़िया से खाइए रायते रायते के साथ। फ्रेंड्स को किसी भी ओकेजन में बनाए खाएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।